स्टॉक में आया हूँ ना। मौजूद है जी और पीडीपी में कुछ जाने की इस वेले चल रही है तो इनका वसनीक करता धरता है तम आपको पहला नाम दसेंगा। मेरा नाम महान मकबूल शाह, मेरी तरफ से पहले अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू आपको जी, आपको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हारून साहब यहाँ आए हैं, हारून साहब बहुत ईमानदार लीडर है, इरशाद कोहली और फरीद बुमला ये हमारे नमदार रहे हैं, नमदार खानदान ने इधर आज ज्वाइन किया, पूरा खानदान है नमदार खानदान, पूरा खानदान है नमदार इन्होंने आज ज्वाइन किया। हम सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलजुल कर हारून साहब को कामयाब बनाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हारून साहब को कामयाब बनाना है और किसी पार्टी को नहीं, कहा ईमानदार लीडर है। बाकी अस्सलाम, हारून साहब की खूबी देखी था हमने, हारून साहब एक ईमानदार लीडर है। इधर पहले जब नेशनल आया, नेशनल ने गले कटवाए हैं लोगों का, फिर जो पोटू लगे गरीब लोगों पर, जो जवानों पर लगे हैं वो लगवाए हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब ने नेशनल खानदान ने लगवाए हैं। अच्छा जी, ये था जी इनका मकामी लोगों का जज्बात जिन्होंने समस्याएं जानी गई की, और मकबूल साहब तक काफी देर तो पहले भी चल रहे हैं लेकिन इनकी सरपरस्ती में कुछ लोग जमा हुआ था जिन्होंने हारून साहब ने ज्वाइन की है और पीडीपी पर एतमाद जाहिर की है और बकौल इनके कि पीडीपी दिन ब दिन जड़ी है वह अपनी तादाद बताती जा रही है, लोगों को भरोसा पीडीपी के ऊपर खसूस हारून साहब के ऊपर जो भरोसा बदतो जा रही है। तो जनाब आलम गुडोल भाई यहाँ मौजूद है, हारून साहब के खिलाफ जो लोगों ने ज्वाइन की है और उन पर एतमाद जाहिर किया, भरोसा किया है, तो वो असल परवाज इस गडोल का कुछ मुकाबी लोगों के नाल भी गल करी थी, इन्होंने के सोचते हारून साहब के नाल हाथ में लाए और मैं अपने नाम दसेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब थारो, मतलब मारो बयान लेने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया थारो। हूँ यह करूँगा कि तमना गुजारिश जनाब के मारी जड़ी पीडीपी पार्टी थी जनाब, हमने पीडीपी पार्टी में रहता बहुत कुछ फायदे हो चुके, वो फायदे यूँ थो कि ईद हमना बहुत जुल्म था हुकूमत की तरफ, इरफान को एसटीएफ को वो जो डंडो थे वो मारा सी, पीडीपी नहीं लाए, तो हूँ या थारी वसाकत के नाल तमाम बरादरी ने या गुजारिश करूँगा कि वो वक्त हमने याद है, उस वक्त में हमारे नाल के गुजरे हुई है, इस वक्त हम पीडीपी का जितना भी वर्करान हल्का का था हम चुप दब कर गए, घरों में बैठा भी था क्योंकि हमारी यह मजबूरी थी कि हमने कैंडिडेट नहीं थो, इस वक्त अल्लाह को शुक्र है, अल्लाह को बहुत बहुत शुक्र है, हमने बहुत अच्छो कैंडिडेट मिल गया हारून साहब जिसकी वसाकत ने इंशाल्लाह हमारा ये जरा मतलब दरिंदा जो मान थी जरा हमारा काम था इंशाल्लाह वे काम पूरा हो जाएगा और जड़ी हमारी यूथ बेकार है बेरोजगार है, हमने उम्मीद है कि आने वाले वक्त इंशाल्लाह पीडीपी का कैंडिडेट को वैगो हारून साहब को वैगो और जड़ी हमारी मांग ही पूरी होगी। बशीर अहमद जी इस बस्ती में ज्यादातर कौन लोग रहे हैं? वैसे भी जो हको है जो एसटीएफ ना को पहली बार बने और तमना जो पहली बार मौको मिले हुए कि थारी कितने शनाख्त हुई है कि थारा वास्ते भी इस कश्मीर वादी में जो हको जो सर्व की है एक कल्लन हो एक जो कुकर नाग हो और तब ने हारून साहब के नाल आज हथ पलो ली और मिलाए हुए हाथ ये सोच के मिलाए हुए ये सोच के मिला के एक व्यवस्था है इन्हें यू कुछ है वो इनका काम है कार है कुछ गरीब है कोई कुछ है उसमें हमने बहुत नुकसान है बहुत नुकसान है वह हम कह नहीं सकता वहां देखिए हारून साहब के किस नुकसान है उसमें जब हम हारून साहब जाने जिसलिए आदमी किसी पर एतबार जी 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 हम इसको सुने हमें खूबी भी देखी सुने हमें ये करें अच्छा इसके पीछे हमारे आज तक हम गर्भसा है आज तक हमारा कोई काम नहीं था। अच्छा हाँ नजरअंदाज किया आज लोग ने हमने नजरअंदाज किया इंशाल्लाह ये थारी अमीर पूरी है हम ये रखा वो थारो आके जो बुरी हाके अपनी मर्जी ना तुम दे सके इंशाल्लाह नहीं उसका जो ईमानदार है जो थारा भरोसो जो कर सके तब उसको भरोसो कर आज कासम भी जनाब इतना गडोल हमारे नाल मौजूद है और ये मजमा वा मौजूद है पुराना खिलाड़ी है और हारून साहब के नाम बड़ी देर को चलता आ रहे तो हाजी साहब तब दसेंगा के इत गडोल की सुरत हाल की है
शुक्रिया। हूँ तुमने एक अर्ज करू के पुराना मारू साहब ना चलता रहा, हूँ किसी का बारा में कुछ गलत कर नहीं करना चाहता, मगर वो गल करना चाहूँ कि जरा हारून साहब है एक बड़ा साफ सुथरा लीडर है, इंशाल्लाह अल्लाह का फजल के नाल जो यो पार लोगों ने इस वक्त हारून साहब पर छोड़ा, इंशाल्लाह ये अपना मोड़ पर चलेगा और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ी शौक मुशक्कत के साथ चलाएगा। ये जानकार है, ये काम करने वाला है, समझदार है और इसके अलावा इसका लोग हैं दिन ब दिन आ रहे हैं, खुशी नाल आ रहे हैं, हाँ बड़ी खुशी के नाल आ रहे हैं। दूसरे दिन इस वक्त पीडी पार्टी ने इस्लाम आय दी है, टिकट दी है, हम उसको भी शुक्रिया अदा करें क्योंकि जी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है यह बड़ी दूर दराज पहाड़े नाल जुड़ी हुई है, बैकवर्ड है, मगर इस बैकवर्ड इलाका में आज तक हमारा किसी लीडर ने गौर नहीं किया। उन सब दुखा लागे जनाब यह दरखास्त करूँ और इस आवाज के जरिए इस माध्यम के जरिए यह अपील भी करूँ कि महाराज का लोग दूर दराज पहाड़ा बन रहे हैं, जंगलों में बसे हैं, ना उनकी रोड है ना उनकी बिजली है, उनकी जी बिजली है वह दक्षिण में टंगी हुई है, मेड़ों के नाल टंगी हुई है, तुंगा नाल टंगी हुई है, ठीक है, बर्फबारी हो और टूट गया वो चलते नहीं, बड़ी मुश्किल है, लकड़ी की मुश्किल है, एक गैस की मुश्किल है, एक पानी की मुश्किल है और सब तो ज्यादा इस लगाव काम बेरोजगारी है, बेरोजगारी ने खत्म कर लो जाए और बहुत काम हमारा बच्चा बड़ा बड़ा साल हो गया वे कुछ जंगलों में लगा हुआ है, कुछ इस अपनी काफी स्कीमों में मतलब है बेरोजगार है और बगैर बेतनख्वाह बगैर तनख्वाह तक साल मगर अपनी जिम्मेवारी में नवाए लगा, इस वास्ते मुझे अपील करो कि इंशाल्लाह मैं वो उस चीज को कि तेरे जंग लड़नो है, यह लड़ाई इस कॉन्स्टिट्यूंसी वास्ते लड़नी है, जिन्हें की बेरोजगारी है उन्हें खत्म करो, यह लड़का है जेली विजय लगा परमिनेंट करना, महबूबा मुफ्ती ने हमें बात हमने सही दी, इंशाल्लाह हम उम्मीद है साबित कदम बंद हुआ है, कोई भुख नहीं है, कोई तस नहीं है, रजे खुजे हुआ है, किसी ने कुछ ये दे ये था जी कुछ आसात इसका मकामी लोगों का जिन्होंने रानी का बारे में अपने हल कर लिया था। आने वाला वक्त खुदा करेगा आप लोगों का होगा, आने वाला वक्त अल्लाह करेगा अच्छा होगा इस इलाके के लिए क्योंकि ये एक नेशनल हाईवे इस तरफ से किश्तवाड़ की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है और ये टनल का काम अनकरीब लगने वाला है, इस टनल के काम में इस इलाके के लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी, इस इलाके के लोगों ने काम करना है, यहाँ के जो बेरोजगार यूथ नौजवान पढ़े लिखे है सबको जो है इस काम में इंशाल्लाह रहमान पूरे तरीके से हम कोशिश करेंगे और इन लोगों को ही प्रायोरिटी पर हम इस काम में करवाएंगे, नेशनल हाईवे का काम लगेगा उस काम में इन लोगों को हम पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे और इन लोगों को ही हम इस काम में रखेंगे। टूरिज्म का इस इलाके के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है मगर ये इलाके टूरिज्म मैप पे नहीं है, आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि ये इलाके टूरिज्म मैप पे आने चाहिए, तो लिहाजा साथियों सिर्फ और सिर्फ एक सोच की जरूरत है, तो मैं भी इस रास्ते पे अगर आया हुआ हूँ आप लोग यहाँ मेरे पड़ोस, मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपके आंगन में रहता हूँ, दूर नहीं हूँ, जिस वक्त आप चाहें वहाँ आ सकते हैं, मुझे अपने यहाँ बुला सकते हैं और मेरा मकसद भी सिर्फ और सिर्फ इतना है, सिर्फ खिदमत खलक के नाते में इस काम में आया हूँ, मुझे कोई करप्शन नहीं करनी है, मुझे कोई दूसरी बात नहीं है, यहाँ जो लोग आ रहे हैं तो वो क्या क्या सोच के आ रहे हैं उनकी क्या खास। चौधरी साहब जनाब इस मजलिस में हैं और बड़े लोगों ने प्यार दी तो आलम कंट्रोल का लोगों ने मकामी लोगों भी गल हुई, उन्होंने अपना मसला मसाइल भी दसिया, तो हारू साहब तब ने इतने देख लो पाए और तब के इस वास्ते सोच रहे की करना चाहूँ। अलहमदुल्ला आज दूसरी बार इस फाटन का पुल पर मिना आगे खड़न को मौका मिलो है, तो पहली बार एक दिन वो आए थे अचानक ही, तो उस दिन भी कुछ चंद साथी मिले था मगर नहीं, आज जो भी है आज प्यार इन लोगों को सामने नजर आ लगे, ये नौजवान ये यूथ ये बुजुर्ग ये सारा का सारा बड़ी देर देर मारो इंतजार करें था इकट्ठा था, ये नजर आए लगे इंशाल्लाह रहमान आज अल्लाह का फजल के नाल इन इस इलाका के लोगों ने आज समझ आ चुकी है, आज ये जान चुका है कि इस इलाका के अंदर अगर कई गल है तो इंशाल्लाह रहमान फिर सिर्फ और सिर्फ पी डी पी जमात और मेरा ना चीज के नाल जुड़ने लगा हुआ इंशाल्लाह रहमान की लोग जी, जी, जी बड़ा लोग इनके को आता वेगा आपके अपनी गल दस्ता वेगा चांसा भी देता वेगा लेकिन तम अपनी तरफ इन्होंने के भरोसा देना चाहूँ हूँ इन्होंने अपनी तरफ
को भरोसा यो देना चाहूँ कि ये लोग ये अल्लाह का फजल के नाल इस इलाका के अंदर जितनी आवाम है, चाहे एसटी है चाहे नॉन एसटी है, ये सारा का सारा लोग मेरे नाल जुड़े हैं। मैं दिल से जुड़िया रहो इंशाल्लाह रहमान हूँ इस इलाका के बेहतरी के वास्ते जितना मेरा भी हो पाएगा पूरी पूरी कोशिश करूँगा। और अल्लाह का फजल नाल मेरा तो है ऐसा आने वाला वक्त के बीच नज़र आए लोगों मेरा अपना असर रसूख भी है और मेरी जान पहचान भी है, सारी की सारी इन लोगों वास्ते इस्तेमाल करूँगा। बाकी के नाल तो कुछ मेरी गल होगी, ये नौजवान साथी हैं, ये बड़ा जज्बाती में देखा था जी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस अल्लाह ताला ने हमने सबसे पहला एसटी सीट दी है। दूसरे नंबर इस तरह कि अरुण साहब जिसो लीडर हमने आज तक कोई नहीं मिले, देखिए हमने बहुत सारा लीडर ना गया रात ना भी हम रहे हैं, हमने बारह सिस्टम देखे रात उस टाइम आया तो हर बंदा को है जिस वक्त जीत के गया फिर उसने मुड़ के किसी ने देखे नहीं। अरुण साहब ने किसी चीज की कमी नहीं थी, हमने पता अरुण साहब कहे तो कहे नहीं, हमने प्रूव किया है। फिर हमने सोचे आपने सारी दौलत दौलत शौलत साट के मारा लोगों वास्ते खड़ा हो रहा है हमारी खिदमत वास्ते आए तो उन्हें बेहतर हमने इसको साथ देना ईमानदार नौजवानों का जज्बात ऐसा में था जनाब इनकलाब जरूर आ गया उस इलाका में इनकलाब जरूरी भी है क्योंकि मैं भी देखी हूँ कि यार पहली दफ़ा जी एस टी कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है बहुत कम इसमें कराना है और कम ता ही हो सकेगा कि एक लीडर जो है बेलोस आवे और किसी लालच तो बगैर आवे और लोगों का मफाद भी कर जी जी सर इसका हमने इंशाल्लाह 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 हमारा नौजवान सारंगे यही यही आवाज़ है कि हारून साहब हमने कामयाब कर। आवाज़ बनाता चलो और अपनी साजा बनाता चलो।